bad news, good news. हाँ जी, चलो अब मेरी बारी। हाँ, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वही करता हूँ, सब खैर खैरियत से हैं। मैं हुसैन मसूद और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जैद के व्लॉग। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। मैं अभी भी उठा हूँ, दोपहर के 4 का टाइम हो चुका है। मैं छत पे जाता हूँ, फिर इन लोगों को दाना पानी देने जाता हूँ, तो देखता हूँ मुर्गी ने आज दूसरा अंडा दिया या फिर नहीं, तो चलते हैं देखते हैं। हाँ जी दोस्तों, मैं अपने इधर सील मुर्गों के पास आ गया हूँ। दोस्तों माशाल्लाह अंडा आ गया है, वो देखिए उबड़ा है। दोस्तों मेरी मुर्गी का आज दूसरा अंडा आ गया है, वो देखिए उबड़ा है माशाल्लाह से। मैं अभी उठाता हूँ, इन कबूतरों का भी बाजरा दे देता हूँ। मैंने अपने कबूतरों को बाजरा दे दिया है। हाँ जी दोस्तों, अल्लाह के फजल करम से मुर्गी ने दूसरा अंडा दे दिया है, तो अब मैं इसको जाके उसी जगह पे रख दूँगा। तो आप लोग दुआ करें कि मेरी मुर्गी ठीक ठाक अंडे देती रहे, फिर इंशाल्लाह इसके बच्चे निकलवाएंगे। लेकिन अंडे जो है ना बाहर दे रही है, अंदर जो है ना मैंने इसकी जगह पर नहीं है, बहुत उसके अंदर पता नहीं क्यों नहीं दे रही। तो हाँ जी दोस्तों, मैंने इनको गाजर दे दी। अस्तग़फ़िरुल्लाह दोस्तों, कुरगोशनी का बच्चा मर गया है। पता नहीं इसको क्या हुआ है, सर्दी लगी है या पता नहीं। मेरे ख्याल से जब मैं सुबह आया था इसको देखने, तो उस वक्त ये इसकी कंडीशन मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने उस वक्त गौर नहीं किया था, मैंने सोचा था शायद सर्दी लग रही है, ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आज परेशान भी हूँ और बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। खुश इसलिए कि मुर्गी का सेकंड अंडा आ गया है, तो अचानक छत पे आया तो देखा तो अंडा पड़ा था, खुशी हुई। और उदास इसलिए हूँ कि ये खरगोश का बच्चा मर गया। इन मुर्गियों को बाजरी दे दूं। पानी भी चेंज करना है। बैड न्यूज़ और गुड न्यूज़ दोनों एक साथ जब आ जाए ना, तो बंदे को समझ नहीं आती बंदा क्या करे, रोए या हंसे। बैड न्यूज़ गुड न्यूज़, मैं करूं तो करूं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, हंसूं क्या रोऊं। दोस्तों इसको बहुत ही ज़्यादा सर्दी लग गई थी, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई। उस वक्त बैठा था अकेला, तो मैंने सोचा था शायद सर्दी लगी है, शायद ठीक हो जाएगा। तो अब जब शाम को मैं ऊपर आया हूं, तो अब इसकी डेथ हो चुकी है। अगर मैं उस वक्त इसको देख लेता कि इसको क्या बीमारी है, तो शायद मैं इसका कोई हल कर पाता, इसका कोई इलाज कर पाता। अब इसको मैं ऊपर छत पे रख देता हूँ, इस बच्चे को मैं यहाँ पे रख देता हूँ ऊपर। मैंने इस बच्चे को ऊपर रख दिया है, तो
शाम को बिल्ली आती है तो वो बिल्ली उठा लेगी, तो बिल्ली का पेट भर जाएगा। चलो ज़ाय होने से अच्छा चलो किसी के पेट में चले जाएगी, उस जानवर का चलो पेट भर जाएगा। 11 अभी बाहर है जो घास वगैरह खा रहे हैं, बाहर बैठे हैं, और दो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अभी पिंजरे के अंदर हैं, वो ठीक है अल्लाह के शुक्र से। तो अब टोटल हो गए 13 बच्चे, 13 खरगोश हैं टोटल मेरे पास। बाकी उस वाली भूरी कबूतरी ने भी अंडा दे दिया है माशाल्लाह से, अभी तो उसने एक अंडा दिया है, परसों या कल या परसों दूसरा अंडा आ जाएगा। तो दो अंडे उस वाले खाने में है, उस वाले खाने में पता नहीं किसने अंडा दिया, मेरे ख्याल से इस वाली लाल कबूतरी ने मेरे ख्याल से अंडा दिया, और उधर बैठती नहीं है, अब बदन अंडे ज़ाय कर देगी या फिर पता नहीं क्या करेगी। तो वो वाली जो है ब्लैक वाली, ब्लैक वाइट, वो बैठी है अलहमदुलिल्लाह से। उसके अलावा जो है ना लकी कबूतरी ने दो अंडे दिए हैं माशाल्लाह से, वो भी अंदर बैठी है अंडों पे, कुछ हफ्तों में उसके भी बच्चे आ जाएंगे। टाइम भी हो चुका है 6 का, तो मगरब होने वाली है, देखें सूरज ग्रुप हो रहा है, तो सूरज ग्रुप होने के बाद मगरब हो जाएगी, अजाने मिल जाएंगी, फिर नमाज़ पढ़ने जाएंगे। ये देखिए मुर्गियाँ और खरगोश खेल रहे हैं बाहर, तो अभी इनको मैं बंद कर देता हूँ। कबूतरों को और खरगोशों को मैंने बाजरा वगैरह दे दिया, पानी शानी दे दिया, सब कुछ दे दिया, अब इन असील मुर्गों को बंद करता हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे थे, इनको भी मैंने यहीं से ही निकलवाया था, मशीन मेरे पास पड़ी है, इनक्यूबेटर है, तो इनक्यूबेटर से मैंने इन मुर्गियों को निकलवाया था मशीन से, एक पूरे 21 दिन लगे थे, और उसके बाद जब बच्चा निकल के बच्चे बाहर आ गए थे, उनको फिर मैंने पाला पोसा बड़ा किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब माशाल्लाह से वही मुर्गी अंडे दे रहे हैं, तो खुशी तो होगी, इन्हीं अंडों में से इनके बच्चे पैदा होंगे, फिर वो बच्चे बड़े होंगे, तो फिर सिलसिला ये चलता रहेगा। तो अगर आपको मेरी ये व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलता है फिर कभी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और मगरब की नमाज़ का टाइम हो रहा है तो मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने, तो फिर मिलता है इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग।